Hi. Welcome to my box. Wow. It's good. ओके गाइस, तो आज हम ना अंकुश की ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं एक ट्रिप पर, एंड हमारे साथ हैं ड्राइवर मिस्टर मार्को. मिस्टर मार्को हमारे साथ. हाय, वेलकम टू माय बस. थैंक यू सो मच. तो अंदर चलते हैं और आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी कि कहाँ कैसे जाने वाले हैं. सो यहाँ पर अभियान बैठ गया है. अभियान कैसा लग रहा है? और यहाँ पर अंकुश भी बैठ गए हैं, सीट ले ली है अपनी. और ये है आज का बाहर का नज़ारा. सो आज सुबह सुबह ही स्नो फॉल हो गई. पहुंच गए हैं. कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ होने वाली हैं. तो देखिए सब लोग निकल रहे हैं. तो बस ने हमें उतार दिया था यहाँ पर और ये सब चल रही है पूरा, क्योंकि हाईवे है. तो हाईवे देखिए इधर से देखिए कैसा है. हम लोग चलने वाले हैं. आई थिंक अभी कुछ एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से जाएंगे रेनडियर पार्क, रेनडियर्स देखने के लिए. और तो इंटरेस्टिंग तो है काफ़ी यहाँ एक्टिविटीज. और बच्चों के साथ जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा बच्चों के साथ रुक सकते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है यहाँ पर. तो हम लोग रुक गए हैं, हम नहीं गए हैं वहाँ की एक्टिविटीज़ में. तो वहाँ क्या होने वाला है उसको भी थोड़ा सा कैप्चर करेंगे. बाकी दो तीन बच्चे हैं, आई थिंक दो तीन बच्चे हैं ना छोटे, अभियान जितने तो नहीं हैं, एक दो से छोटे हैं बच्चे. और वहाँ नीचे चल सकते हैं, वहाँ नीचे चल के देखते हैं कि वहाँ क्या है. लेकिन जो ये जो मतलब सन निकला है ना और नीचे बर्फ़ है, मतलब इतना सुंदर है ना मौसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा नीचे चलते हैं. फिशिंग हो रही है कि कुछ तो है. तो वहाँ ऊपर भी कुछ गेम्स खेले जा रहे थे जो कि पेयर में थे, लेकिन यहाँ जो नीचे खेले जा रहे थे ये थे इंडिविजुअल. तो यहाँ हमने सोचा कि यहाँ कुछ खेला जाए, तो यहाँ बस वही खेलने के लिए हम देख रहे थे कि क्या इंस्ट्रक्शंस है. और ये जो गाइस, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा फ्रोजन सी है. ऑल्दो टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, मतलब ऐसे -2 के आसपास है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है. कैसा लग रहा है अंकुश? वैसे अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ठंडा भी लग रहा है. ये देखिए आंख में आंसू निकल आए, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा. तो बाकी वहाँ एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं, बस अब यहाँ से शायद निकलने का टाइम है. और क्योंकि सभी लोग जो पहले जो दूसरी एक्टिविटीज कर रहे थे वो भी यहाँ आ चुके हैं, तो शायद अब यहाँ से निकलेंगे, अब चलेंगे एक दूसरी जगह पर. ये वैन कहाँ से मिल गया? वाओ, ये काफी अच्छा है और काफी सारे बच्चे इस पे खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. पता ही नहीं चल रहा कि सी पर खड़े हैं, यानी कि समुंदर के ऊपर है. फ्रोजन सी है ये, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर.
देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल। तो यहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं ट्रैकिंग करके फॉरेस्ट के रास्ते, और हम चल रहे हैं सड़क पर, क्योंकि यहाँ से आधा ही किलोमीटर है रेनडियर पार्क। और अब देखिए सामने दिख गया है रेनडियर पार्क, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब चलते हैं रेनडियर पार्क के अंदर। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है घर। अभी हम आए तो कुछ लोग ट्रैकिंग के थ्रू, तो कुछ लोग हमारी तरह वॉक के थ्रू पहुंच गए हैं रेनडियर पार्क, और हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और अब हम देखेंगे जो फिनलैंड की ब्यूटीफुल रेनडियर्स होते हैं उन्हें, और जिन पर सेंटा क्लॉज बैठकर आते हैं, बस वही देखने हैं, क्योंकि इसी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग फिनलैंड आते हैं। Have to have the food first because they are carrying the newborn, which is normally they mate in autumn time, so all the males are carrying, so that's why they are stronger and more aggressive in the winter time. Okay. It doesn't matter if all the males are gone, because they will not give a birth for new ones. Okay. So it's a very clever system. And the males get the last one. If anything left, they will eat. अवयन काफ़ी एक्साइटेड था रेनडियर्स को देखने के लिए, और यहाँ पर जब रेनडियर्स को देखा तो उसे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सारा उसने खाना खिलाया। देखिए आप अपने हाथ से उनको खाना खिला रहा, बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। सो बाहर रेनडियर को देखकर किया हमने फिनलैंड की ब्यूटी को एक्सपीरियंस, और अब अंदर चलते हैं और खाते हैं कुछ फिनिश फूड और करते हैं फिनिश फूड का एक्सपीरियंस। दिख रही है लेकिन अगर हम कैंडल में देखेंगे ना, देखो साफ दिख रही है। सॉसेजेस पूरी अच्छी सी ना अच्छी हो गई है, और अब इसे खाएंगे गरम गरम। ये वीगन है, और ये वीगन है तो इसमें हमें ये डर नहीं है कि इसमें कोई चिकन वगैरह कुछ है। इन ब्रेड तो ये यहाँ पर बहुत फेमस है, और साथ में हम पी रहे हैं हॉट चॉकलेट एंड कॉफ़ी। तो हॉट चॉकलेट तो बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है ये देखो। इतनी ठंड में जब ये आके खा रहे हैं और पी रहे हैं ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो और ये जलाने के लिए कैंडल जली है, नहीं तो कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर ये हॉट चॉकलेट भी ना बहुत यम्मी है। हो गया हमारा रेनडियर का पार्क वाला जो ब्लॉग है वो, और काफ़ी अच्छी ट्रिप रही, ऑफिशियल ट्रिप थी लेकिन काफ़ी अच्छी रही, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिल गए यहाँ पर, बन गए नए नए। तो बस बाय बाय रेनडियर्स। तो अब हो गया जाने का टाइम, और क्योंकि 5 बज गए हैं और 5 बजे बस आ गई होगी बाहर। और आज मैंने यहाँ रहकर जो फिनलैंड की नॉर्दर्न ब्यूटी है उसको एक्सपीरियंस किया, फिनिश जो कल्चर है उसको बहुत पास से मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर अंकुश को कुछ पूछना था तो वो उनसे पूछ रहे थे, तो यहाँ पर उनकी वही डिस्कशन चल रहा था, कुछ बात कर रहे थे। तो यहाँ आ गए हैं हमारे ड्राइवर मिस्टर माकू हमें पिक करने के लिए, और बस चलते हैं यहाँ से। बस में बैठने का टाइम हो गया है। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा अंकुश? हाँ बहुत मज़ा। अवयान आपको कैसा लगा? डुनू तो बस से उतर गई, बस खड़ी है और बाकी भी सब लोग जा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ उतर गए। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, और ना कितना खूबसूरत लग रही है देखिए शाम हेलसिंकी की, और क्योंकि पूरा सनी डे था और सनी डे है, साथ में इतनी ज़्यादा स्नो थी क्योंकि सुबह स्नो फॉल हो रही थी और फिर उसके बाद सनी डे हो गया, तो खूब चमक रहा है एकदम। और बहुत अच्छी ट्रिप रही, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो देख के। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट में मुझे लिखिएगा कि कैसे करके वीडियो। बाकी अभी अभी घर भागते हैं क्योंकि यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और चलेंगे घर। तो तब तक के लिए बाय बाय।